नोएडा पुलिस ने ठगों के एक बड़े ग्रोह का पर्दाफाश किया है। करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से भारी तादाद में ठगी की सामग्री बरामद की है। मैं इस समय मौजूद हूँ इसी कॉल सेंटर के बाहर, जहाँ ये कॉल सेंटर इसके जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर ये कॉल सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था। इसका जो कॉल सेंटर के मालिक है वो हर्षित चौधरी और योगेश पुजारी है, जो कि अमेरिका में बैठे हुए लोगों को ठगी करते थे, उनके साथ ठगी करते थे, उनको बताते थे कि वो अमेरिकी मार्शल बोल रहे हैं और उन्होंने एक अपराध किया है और वो उसमें जो है उसे सीरियस चार्जेज में बुक कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ से कॉलिंग की जाती थी और अमेरिकी लोगों को इस तरीके से भरोसा दिला दिया जाता था, विश्वास में ले लिया जाता था कि उन्होंने वाकई उसके नाम पर जो है वो बुक हो जाएंगे और उनको डरा धमका करके उनसे सेटलमेंट के नाम पर यहाँ जो है वो इनसे पैसे वसूल लेते थे। और ये जो पूरा जो मामला है, ये बताया जाता था कि तुम्हारी बॉर्डर्स पर एक टैक्सी पकड़ी गई है, कार पकड़ी गई है, जिसमें जो है आपकी डिटेल्स हैं और ये सभी डिटेल्स का हवाला देते हुए लोगों को अपने गुड फेथ में ले लेते थे और उसके बाद में फिर उनके साथ लगातार ठगी करते रहते थे। इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी हद तक मिल रही थी। इसके लिए इंटरपोल और FBI भी लगातार इस मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि अमेरिकी लोगों को लगातार ठगा जा रहा था। ऐसे ही इनपुट कुछ नोएडा पुलिस को मिले थे, जिनके लिए पुलिस ने यहाँ पर जाल बिछाया और इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।